सरकार ने बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मातृ शिशु कल्याण केंद्र खोला है, परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जिले के अभोली ब्लॉक के सदोपुर गांव में मातृ शिशु कल्याण केंद्र पिछले 25 सालों से बंद होने के कारण उर्मिला देवी सहित 3500 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप टीकाकरण या डिलीवरी के लिए कहाँ जाते हैं? डिलीवरी के लिए सूर्यावा और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र पे, आंगनवाड़ी केंद्र पे। आप अपने मातृ शिशु केंद्र कल्याण में क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं बैठे, सब टूटा फूटा है। कितने साल से बंद पड़ा बा? 25 साल से। दूर जाए में का परेशानी होता? सड़क नहीं ठीक बैठे, आने जाने में हचका लगा था। हम यही चाहे मेरे गाँव में अच्छे से स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, हर औरत के यहाँ सुविधा हो जाए। अब गरीब जनता है, टीकाकरण भी नहीं हो पाता है, आशा लोग इन लोग की बैठके नहीं होती हैं, और डिलीवरी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, समय पर गाड़ी नहीं मिलता है, तो इससे बहुत जो है जच्चा बच्चा को बड़ी परेशानी होती है, घर वालों को भी बहुत परेशानी होती है। जो केंद्र है वो पूरी तरह से जर्जर हो गया है, किसी काम का नहीं है, और 25-30 साल से उसमें जो है कोई बैठता उठता नहीं है, उसमें कूड़ा कचरा भरा पूरा है, और अगल बगल सब उसको अतिक्रमण भी कर लिए हैं। अब जो CMO साहब को दिया था, वो CMO साहब को जो है वो CMO साहब की ये मदद दिया था, इस मैंने CMO साहब को दिया था, तो बड़ा मेहनत करके हमने ये जो है राजस्व विभाग में जो है इसको हमने दर्ज करवा दिया। करीब 25 बीसा जमीन, ये 25 बीसा जमीन हो गया। उसके बाद फिर जो है हमने जो है RTI से मांग लिया, RTI से दिया, और इसका जवाब अभी आज तक नहीं दिया अस्पताल वालों ने। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि भदोही जनपद के CMO का मोबाइल नंबर 9415861102 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि यह मातृ शिशु कल्याण केंद्र खोला जा सके। मैं केशा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।